तो GPT-5 का यूज़ करके कैसे आप इंडिपेंडेंस डे की विशिंग स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊं। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर लाइक भी कर दें और वीडियो पर हाइप भी कर दें। दोस्तों, रक्षाबंधन जा चुका है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली। एंड गाइज, अगर आप इन छोटे मोटे त्यौहार को टारगेट करते हैं और इनके ऊपर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो गाइज आपको पता नहीं है इन वेबसाइट्स के ऊपर कितना ट्रैफिक आता है। अगर आप यहाँ पर छोटी छोटी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं त्यौहार को टारगेट करके तो उन वेबसाइट्स के ऊपर मैसिव ट्रैफिक आता है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मैसिव ट्रैफिक आएगा तो आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर त्यौहार को टारगेट कर कर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप उसको डिफरेंट तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे त्यौहार का पोटेंशियल दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को टारगेट करते हैं या जन्माष्टमी को टारगेट करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना ट्राफिक मिल सकता है। तो ट्राफिक को जाँचने के हम यहाँ पर यूज़ करने वाले गूगल ट्रेंड्स का, तो सिंपली आपको आना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे का पोटेंशियल दिखा देता हूँ किसके माध्यम से आपको यहाँ पर कितना ट्रैफिक मिल सकता है। तो सिंपली आपको गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पर सर्च के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है इंडिपेंडेंस डे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा इंडिपेंडेंस डे, इस प्रकार से मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। ओके, देन इसको मैं चूज़ करूँगा एंड सर्च इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मेरे सामने इंडिपेंडेंस डे का जो पास्ट डे का डाटा होगा और लास्ट 12 मंथ का डाटा होगा, सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट डे में यहाँ पर कितने सारे सर्चेस आए हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे को 2 दिन बाकी है और अभी से यहाँ पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, और जिस दिन इंडिपेंडेंस डे होगा उस दिन यहाँ पर बूम में ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। अब किस टाइप की सर्च क्वेरीज भी यहाँ पर टारगेट हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाते हैं एंड यहाँ पर आप सर्च क्वेरीज देख सकते हैं किस टाइप के यहाँ पर सर्चेस किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर स्लोगन वाले इंडिपेंडेंस डे को चेक किया जा रहा है, किस टाइप के स्लोगन इंडिपेंडेंस डे के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की क्वेरीज यहाँ पर सर्च की जा रही है। इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करें, विशिंग स्क्रिप्ट हो गया, क्विज हो गया, बैकग्राउंड हो गया, बहुत सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसी के अनुसार ही आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पता लग गया होगा अगर आप यहाँ पर त्यौहार को टारगेट करते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर आपको यहां पर पोटेंशियल ट्रैफिक मिल सकता है। ओके, अब आपको यहां पर किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूं, कैसे उसको क्रिएट करना है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसे कि हम यहां पर इंडिपेंडेंस डे विशिंग स्क्रिप्ट की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं GPT-5 का। तो सिंपली आपको जाना है ChatGPT के ऊपर, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर GPT-5 को चूज़ कर लेना है। जैसे आप ChatGPT के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की विशिंग स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है जिसका ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने अपना प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दिया है। तो पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर ही आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो पहले आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको ये वाली प्रॉम्प्ट मिल जाएगी जिसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद अगेन आपको GPT-5 के ऊपर आना है, यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब GPT-5 यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और कुछ ही मिनटों में आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट का कोड्स बनाकर दे देगा। तो कुछ सेकंड का हमें यहाँ पर वेट करना है और कोड्स हमारे यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इसको ओनली आपको कॉपी कर लेना है। तो कोड्स मेरे यहाँ पर बनने स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ ही सेकंड में मेरे कोड्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ से मैं अपने कोड को कॉपी कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पर यह चेक करना है कोड यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस टाइप की मैं वेबसाइट यहाँ पर बनाना चाहता हूँ उस टाइप की वेबसाइट यहाँ पर बनी है या नहीं बनी है वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्लॉगर का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एडिट HTML इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कोड्स मेरे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। अब मैं सेव इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा।
ओके उसके बाद बैक जाऊंगा, यहाँ पर आपको व्यू ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप की वेबसाइट हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। जैसे मैं क्लिक टू रिवील इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये वाला पेज आएगा, तो मेरी यहाँ पर विसिंग स्क्रिप्ट की वेबसाइट प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी है। ओके अब मुझे इस वेबसाइट को यहाँ पर होस्ट करना है, प्रॉपरली होस्ट करेंगे, ये तो मैंने आपको दिखाया है, पर मैं इसको आपको प्रॉपरली होस्ट कर कर भी दिखाऊंगा। तो होस्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गिटहब का, तो सिंपली आपको जाना है गिटहब के ऊपर और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसा आप गिटहब के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू रेपोजिटरी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी रेपोजिटरी का नेम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम दे दूँगा विशिंग, इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसका नेम दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिक को चूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल दूँगा यहाँ पर इंडिपेंडेंस विशिंग स्क्रिप्ट, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ओके ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको भी डिस्क्रिप्शन डाल देना है। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा गलत नज़र आ रहा है। हाँ ये होगा, फिर मैं क्रिएट रेपोजिटरी इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएटिंग ए न्यू फाइल का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर जो कोड कॉपी किए थे उसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है index.html, इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद कमिट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करना है, अगेन आपको यहाँ पर कमिट चेंजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके यहाँ पर कोड सेव हो गए हैं, अब आपको अपने कोड को होस्ट करना है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेजेस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको नन इसके ऊपर क्लिक करना है, मेन को चूज़ करना है, सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट यहाँ पर होस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही मिनटों में आपकी वेबसाइट यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर डिप्लॉय होगी तो आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक भी दिखाई दे जाएगा, जिसको बेसिकली आपको प्रमोट करना है। अब आपको अपनी वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे इसके ऊपर एड्स लगाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा उसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है एड स्टार के ऊपर, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब आपको पब्लिशर अकाउंट इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो जो वेबसाइट का लिंक आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। ऐड वगैरह चूज़ करना है, ऐड इसके ऊपर क्लिक कर देना है, वेबसाइट आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर ऐड होगी तो इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपके सामने इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऐड नीट दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको अपनी ऐड नीट के कोड को कॉपी कर लेना है, तो गेट कोड इसके ऊपर क्लिक करना है और कोड को कॉपी कर लेना है। अब आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोड को ऐड करना है, तो उसके लिए अगेन आपको अपने गिटहब के ऊपर जाना है। अब आपको यहाँ पर index.html के ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है, अगेन आपको बैक जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो अगेन मैं बैक जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर बैक जाएंगे तो अगेन आपके सामने न्यू इंटरफेस आएगा, तो अगेन आपको बैक जाना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा index.html का, है ना, तो आपको index.html इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ, तो मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको index.html के ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ एक बार ज़रा, इसके ऊपर जाएंगे हम रेपोजिटरी इसके ऊपर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको विशिंग वाली रेपोजिटरी दिखाई देगी, ओके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको index.html के ऑप्शन के ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर इसको एडिटेबल मोड के ऊपर लेके आना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। एडिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बॉटम में जाना है बिल्कुल ही, ओके, बिल्कुल बॉटम में आपको जाना है। यहाँ पर आपको बॉडी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड इसी के नीचे आपको अपनी ऐड नीट को ऐड कर देना है। फाइनली यहाँ पर आना है इस तरीके से, देन यहाँ पर आपको कमिट चेंजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है, कमिट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कोड आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगेन आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना है, ठीक है।
यहाँ पर अगेन आपको पेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश की थी उसका लिंक दिखाई देगा, जो कि मैंने कहा था आपको इसी के माध्यम से अपनी एड जनरेट करना है। ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस वाले लिंक को आपको कॉपी करना है और इसको आपको प्रमोट करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। जिस दिन 15 अगस्त होगा उस दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को जितना हो सके उतने सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करना है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फ्री ट्रैफिक की नॉलेज लेनी है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेरे चैनल को ऊपर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको फ्री ट्रैफिक की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको देख लेना है, फ्री ट्रैफिक की नॉलेज बनाना है और उसके ऊपर आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है। जितनी वेबसाइट्स आप यहाँ पर प्रमोट करेंगे उतनी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, जो डेफिनेटली आना भी है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा और इसी के माध्यम से आप यहाँ पर कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसे आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की विशिंग स्क्रिप्ट क्रिएट करना है उसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।